में मोदी जी की जनसभा यह है और आप साधु संतों के साथ हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साधु संतों के बिना कोई भी सभा जो है वो अधूरी होती है। तो सर्वप्रथम हमारी संस्कृति के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस व्यक्तित्व के धनी हैं, जो देश के में उनका जो काम करने का तरीका है, और वो सर्वप्रथम साधुओं से आशीर्वाद लेके ही अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष जालानी महुआ विधानसभा से, ऐसे ही मैं उनके कदमों पर चलने वाला और विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने वाला अपने साधु महाराजों के आशीर्वाद से इस परिवर्तन महासभा सम्मेलन में साधुओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मेरे साथ गुरु महाराज विश्व जगत गुरु श्री काठिया दास जी महाराज एवं अन्य संत बता रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती भी है और चारों परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन भी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर? पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो संघ के जिस पद पर रहे हैं और जिन्होंने संघ को इस लेवल पे पहुंचाया है, मैं इस पुण्यतिथि पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है इसके लिए मैं बहुत हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज के दिन इस कार्यक्रम को रखा गया, परिवर्तन रैली का भी समापन का महासभा रखी गई है। हम बहुत बहुत धन्य हैं और मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करूँगा। 200 विधानसभा सीटें जिनके चुनाव होने नवंबर में, और कितना आपको लगता है कि जो मोदी जी आए हैं आज जनसभा करेंगे, कितना परिवर्तन आएगा, कितनी सीटें जीतेंगे? हम 100% जीतेंगे, सारी सीटों पर मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और मोदी सरकार बनेगी। कांग्रेस का भी दावा है कि वो भी बहुमत में आएंगी, आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग भी बहुमत में आएंगे? ऐसा है जी, कांग्रेस के बारे में तो सारी जनता जानती है, कांग्रेस जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो काम किया है, अब चुनावी मुद्दे को देखते हुए जो उन्होंने अपनी पिटारी खोली है वो सारी जनता समझ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरे भारत में जिस तेजी से विकास कर रहे हैं, राजस्थान में भी विकास होगा और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, 200 की 200 सीटें हम जीत कर आएंगे। 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कदम जो है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मातृशक्ति जो शक्ति है उस शक्ति से ही संसार का चलन होता है, पूरा देश जो है मातृशक्ति से ही उत्पन्न हुआ है, और ये जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है ये बहुत ही सुंदर कार्य किया है मोदी जी ने, बहुत ही सुंदर कार्य किया। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है, अभी जो जनसभा की है परसों, उन्होंने कहा है कि मोदी जी बीजेपी 10 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देना देगी और हम लोग चाहते हैं कि आज ही मिले। देखिए, आरक्षण जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है, जिस तरह की पॉलिसी इस आरक्षण के लिए बनाई है, वो ही मान्य रहेगी और किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होता। जो आरक्षण के नॉर्म्स हैं, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण को सोचकर इसको पास किया है, वो उन्हीं के अनुसार ये चलेगा। लेकिन हर बार देखा जाता है कि जो बीजेपी में फेस होता है सीएम का, पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, इस बार बिना सीएम चेहरे के फेस के चुनाव लड़ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है बीजेपी को? देखिए, सीएम का चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है और भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के फेस पर लड़ेंगे, और जो भी सीएम बनेगा वो योग्य होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चुना जाएगा। हम सभी भारतीय जनता पार्टी अब 200 की 200 विधानसभा सीट पर राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे।